साल 1965 जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो उस समय नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, जो कि आज भी सार्थक और सटीक है, जो कि एक बड़े राजनीतिज्ञ के साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के विकास में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जी हाँ, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और पूरा देश उनकी जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ, आप देख रहे हैं डिजिटल खबरी लाल। तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या कुछ अहम योगदान रहा है हमारे भारत के विकास में और उन्होंने क्या कुछ विचार दिए देशवासियों को जिसके पथ पर चलकर देशवासी आगे बढ़े, चलिए जानते हैं इस खास पेशकश में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। महज 1.5 साल की उम्र में ही उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने महज 16 वर्ष की उम्र में शिक्षा को छोड़ दिया और भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जी सादा जीवन, सरल स्वभाव, ईमानदारी और अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी जीवन का अंत बहुत रहस्यमयी रहा। महज 1.5 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उड़ गया और ननिहाल में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 16 साल की उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जब वे 17 साल के थे तब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे केवल 1.5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर रह सके। इससे पहले भी वे रेल मंत्री और गृह मंत्री जैसे पद पर भी रहे, लेकिन उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति जैसा ही रहा। वे प्रधानमंत्री आवास में खेती करते थे, कार्यालय से मिले भत्ते और वेतन से ही अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उनके पास न तो खुद का घर था और न ही कोई संपत्ति। जब वे प्रधानमंत्री बने तब देश में अनाज का संकट था और मानसून भी कमजोर था। ऐसे में देश में अकाल की नौबत आ गई थी। अगस्त 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से हफ्ते में एक दिन का उपवास भी रखने को कहा और खुद भी ऐसा ही किया। मगर 1965 में जो हुआ वो अकल्पनीय है। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हो गई। इस जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार बातचीत के बाद एक दिन और स्थान चुना गया। ये स्थान था ताशकंद। सोवियत संघ के तत्कालीन पीएम ने अलेक्सेई कोजिगिन ने इस समझौते की पेशकश की और इस समझौते के लिए 10 जनवरी 1966 का दिन तय हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। मगर उनके द्वारा किए गए कीर्तिमान कार्यों को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उनके विचारों पर चलकर हम सभी देशवासी देश को उन्नति के पथ पर लिए जाना चाहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा, किस तरह से वो हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे और आज भी उनके बताए गए विचारों पर चलकर हम देशवासी भारत का नाम देश भर के साथ विश्व भर में रोशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए डिजिटल खबरी लाल, खबरें आपकी, नज़र हमारी।